हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल ट्रेड स्टार। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे आप कैसे एंजलवन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर इंडिकेटर बेस्ड अलर्ट को यूज कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियसली आप हमेशा से किसी भी ब्रोकर में प्राइस एक्शन बेस्ड अलर्ट को यूज कर रहे होंगे। जैसे कि अगर सर्टन लेवल को प्राइस ब्रेक कर लेता है, आपको वहां पे अलर्ट आ जा रहा होगा कि ए लेवल को ब्रेक किया है या नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, जो भी आप कमांड दिए होंगे वहां पे। लेकिन आज की वीडियो में एंजलवन में हम कवर करेंगे किसी भी इंडिकेटर का वैल्यू को लेकर हम अलर्ट प्लेस कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको अलर्ट चाहिए, अगर RSI का वैल्यू 70 के ऊपर चला जाता है किसी भी टाइम फ्रेम में, आपके पास अलर्ट आ जाना चाहिए। तो उसको कैसे यूज करना है आज की वीडियो में हम कवर करेंगे, और इस अलर्ट को यूज करना बिल्कुल फ्री है एंजलवन में। उससे पहले अगर अभी तक आप ट्रेड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। जैसे कि आपके स्क्रीन के सामने जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ओपन हुआ है, ओपन है एंजलवन का। एक बार लॉग इन कर देने के बाद आपके सामने इस टाइप का होम पेज आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे सर्च बार है, किसी भी स्टॉक को सर्च करके ऐड कर दीजिएगा। जैसे कि देखिए, यहाँ पे TCS का चार्ट ओपन हुआ है। किसी भी स्टॉक को ऐड कर देने के बाद उसके ऊपर क्लिक कर देगा तो यहाँ पे चार्ट ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, टॉप में प्लस आइकन में आपको यहाँ पे शो करेगा, उसी प्लस आइकन के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए, यहाँ पे TCS का अलर्ट आ गया है, क्योंकि TCS का चार्ट ओपन हुआ है इसलिए यहाँ पे TCS का अलर्ट शो कर रहा है। अगर आपको और किसी स्टॉक का यहाँ पे अलर्ट प्लेस करना है तो देखिए, यहाँ पे सर्च बार है, सिंपली सर्च बार के ऊपर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे किसी भी स्टॉक को सर्च कर दीजिएगा। अभी के लिए मैं HDFC बैंक सर्च किया हूँ, उसके ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। एंड अभी के लिए देखिए HDFC बैंक का अलर्ट आ गया है। आपको सिंपली क्या करना है, टॉप में देखिए एक ऑप्शन शो कर रहा है टेक्निकल इंडिकेटर्स का, शायद आपका वहां पे डिफॉल्ट होगा प्राइस एक्शन। अगर आपका डिफॉल्ट यहां पे प्राइस एक्शन होगा ना, उसके ऊपर क्लिक करके उसको टेक्निकल इंडिकेटर कर दीजिएगा। अभी के लिए आपको क्या करना है, आपका रिक्वायरमेंट के अनुसार आप टाइम फ्रेम को यहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिएगा, जिस भी टाइम फ्रेम में आप अलर्ट प्लेस करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट आप यहाँ पे इंडिकेटर को सिलेक्ट कर दीजिएगा। मैं यहाँ पे इंडिकेटर को क्लिक करता हूँ और यहाँ पे RSI को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, नहीं तो आपका रिक्वायरमेंट के अनुसार आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे सेटिंग का सिंबल है। अगर RSI का लेंथ चेंज करना है तो आपका रिक्वायरमेंट के अनुसार यहाँ पे लेंथ चेंज कर सकते हैं, और स्मूथ लाइन को यहाँ पे SMEA में आपका रिक्वायरमेंट के अनुसार कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे RSI आ गया है प्रॉपर्टी, एंड यहाँ पे कंडीशन आपको करना है RSI का वैल्यू ग्रेटर देन या लेस देन। यहाँ पे मैं ग्रेटर देन के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे इंडिकेटर के ऊपर क्लिक करना है, एंड आपको यहाँ पे वैल्यू को सिलेक्ट कर देना है, क्योंकि जब RSI का वैल्यू 80 के ऊपर जाएगा हमारे पास अलर्ट आ जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे वैल्यू के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। नेक्स्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू ऐड कर देना है। अभी के लिए मैं 80 ऐड कर लेता हूँ, एंड अलर्ट का नाम दे दीजिएगा। अभी के लिए मैं यहाँ पे HDFC दे देता हूँ। नेक्स्ट आपको देखिए नीचे का ऑप्शन मिल जाएगा क्रिएट अलर्ट। ओके, यहाँ पे देखिए हम कमांड क्या दिए हैं, जब भी RSI का वैल्यू 10 मिनट का टाइम फ्रेम के ऊपर 80 के ऊपर चला जाता है हमारे पास अलर्ट आ जाना चाहिए। तो वही कमांड जब भी ट्रिगर बनेगा आपके पास अलर्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे अभी के लिए मैं क्रिएट अलर्ट के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे आप क्रिएट अलर्ट करेंगे, का अलर्ट देखिए यहाँ पे क्रिएट हो गया है। अगर आपको स्टेटस चेक है तो उसी अनुसार आप यहाँ पे स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। ओके, आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे कैसे आप एंजलवन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर इंडिकेटर बेस अलर्ट को यूज कर सकते हैं। अगर आज का वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हुआ होगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।